हाँ जी बच्चों, बहुत सारे कमेंट्स आए थे सिक्योरिटी एनालिसिस में। एक टॉपिक है बॉन्ड रिफंडिंग, और हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में बेटे क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50 दो क्वेश्चन है बॉन्ड रिफंडिंग से रिलेटेड। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो अब क्वेश्चन के साथ साथ करते हैं, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 करना है जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बॉन्ड रिफंडिंग। टॉपिक का नाम जो है वह है बॉन्ड रिफंडिंग। तो जो भी है मैं क्वेश्चन के साथ पढ़ते पढ़ते आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 49 प्रैक्टिस मैनुअल पेज नंबर 6.60। अब ध्यान से, इसमें ऐसा लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड हैज ₹300 मिलियन 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग विथ 6 ईयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। तो बेटे एक कंपनी है, मान लो ये कंपनी ये हो गई कंपनी, और इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। तो इस कंपनी के पास 300 मिलियन के 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। बॉन्ड इश्यू किया होगा इस कंपनी ने पहले कभी, जब बॉन्ड इश्यू किया था, बॉन्ड इश्यू मान लो ये है बॉन्ड होल्डर्स, ये है बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ओके। बिल्कुल ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन एक साथ हो रहा, बॉन्ड होल्डर्स, और इनको बॉन्ड इश्यू किया था, ठीक है, मतलब कंपनी को पैसों की जरूरत रही होगी तो बॉन्ड इश्यू किया, और कितने रुपए इन लोगों से उठाए हुए हैं, 300 मिलियंस, ठीक है। और कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है बेटे अभी, 12% पर एनम। 300 मिलियन इन लोगों से पैसा उठाया, बॉन्ड इश्यू किया है, और इन लोगों से कहा कि हम इन 300 मिलियन पे आपको 12% इंटरेस्ट देंगे, और ये जो काम किया बहुत पहले किया है, ठीक है, और अभी भी हमारा जो लोन है, इन लोगों को जो पैसा देना है वो 6 साल तक का बाकी है। यह लिखा हुआ एबीसी लिमिटेड हैज 300 मिलियन 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग विद 6 ईयर रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, ठीक है। अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिचुएशन ये है कि पहले से हमारे पास बॉन्ड है, हम लोगों ने इश्यू किया हुआ है 300 मिलियन 12% के हिसाब से, 6 साल अभी बचा हुआ, मतलब 6 साल तक हम इंटरेस्ट देते जाएंगे 300 मिलियन पर, ड्यू डेट 6 साल बाद। सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, बेटे ये एक बड़ी समस्या है, जब हमने बहुत पहले बॉन्ड इश्यू किया होगा इन लोगों से, जब पैसे लिए होंगे तब इन लोगों से बोल दिया था कि हम आपको 300 मिलियंस पे 12% इंटरेस्ट देंगे, ये पहले की बात है। लेकिन अभी ये सिचुएशन, अभी 6 साल बाकी है और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है, मतलब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है जबकि हम इनको अभी तो ज्यादा दे रहे हैं। तो क्या हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे बोल सकते कि नहीं नहीं हम आपको कम देंगे, ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया कि हम आपको 12% देंगे। अब हम फंसे हुए हैं कि क्या किया जाए यार, जबकि मार्केट में कम रेट इंटरेस्ट हो गया, तो क्या कर सकते हैं। तो एबीसी लिमिटेड जो है कॉन्टेम्पलेटिंग ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड विथ 300 मिलियन इश्यू ऑफ 6 ईयर बॉन्ड्स कैरिंग कूपन रेट ऑफ 10%। सुनोगे क्या किया, अब हम क्या चाहते। तो एबीसी लिमिटेड सोच रही है, क्या विचार कर रही है, जरा देखते हैं कि क्यों ना इन लोगों को आज पैसे वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए मतलब बॉन्ड क्या कर रहे हो रिफंड, इन लोगों को पैसे रिफंड करना चाहते हैं।
कितना रिफंड करना है? 3 मिलियन। सर ये क्यों मानेंगे बेटे, क्यों मानेंगे वो मैं बाद में डिस्कस, हम अभी पैसे रिफंड करना चाहते हैं इन लोगों को, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। अब इन लोगों को जो पैसे रिफंड करना है तो किसी ना किसी से तो उठाना पड़ेगा। हाँ सर, किसी ना किसी से पैसे उठाने पड़ेंगे, जी हाँ। और हम चाहते हैं कि हम न्यू बॉन्ड इश्यू करते हैं, इश्यू, और इन लोगों से पैसे ले लें। न्यू बॉन्ड इश्यू, ठीक है, न्यू बॉन्ड इश्यू करेंगे, न्यू बॉन्ड्स। तो सर ये वाले बॉन्ड्स क्या है? ये बेटे ये ओल्ड वाले बॉन्ड्स है। न्यू बॉन्ड्स इश्यू करेंगे कितने के? 300 मिलियन के, और इश्यू करके इन लोगों को पैसे रिफंड कर देंगे। तो सर न्यू बॉन्ड्स पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन चेक करो न्यू बॉन्ड्स का कूपन रेट कुछ और ही दिया होगा। यस, ये लिखा है एबीसी लिमिटेड रिफंड करना चाहता है ओल्ड बॉन्ड्स को कितना? 300 मिलियन इश्यू करेंगे न्यू बॉन्ड्स। कितने पीरियड के लिए? ये भी कितने पीरियड के लिए? 6 ईयर्स के लिए रहेगा, कोई शक ही नहीं है, 6 ईयर्स के लिए। हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटे? 10%। ये देखो, ये फायदा दिख रहा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बस जुगाड़ कर रहे हो आप और कुछ नहीं है। जुगाड़ ऐसा है कि इन लोगों के साथ समस्या है कि हमने इनसे 300 मिलियन पहले ही उठा चुके हैं, अभी भी हमें 6 साल बाकी, 6 साल तक इंटरेस्ट देना है, जो कि कितना परसेंट देना? 12%। पर मार्केट में रेट कम हो गए, आपको 10% के हिसाब से पैसा मिलने को तैयार है। तो एक काम कीजिए, 300 मिलियन यहां नए बॉन्ड इश्यू कीजिए, 300 मिलियन यहां से उठाइए, 300 मिलियन यहां पेमेंट कर दीजिए। फायदा क्या होगा? ये 12% अब देना नहीं पड़ेगा, और आपको नए वाले को कितना देना पड़ेगा? 10%। तो हर साल आप कितना परसेंट इंटरेस्ट बचा पाओगे? 2%। ओके, यहां तक बात समझ में। लेकिन अभी भी कुछ समस्या है। ये तो बड़ा अच्छा है, 300 लोग 300, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और आप बचा लीजिए 2%। लेकिन अब जो समस्या वो ये है कि जब जब भी न्यू बॉन्ड इश्यू करोगे न्यू, तो आपको ना खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। भाई नए बॉन्ड इश्यू करोगे तो एक्सपेंसेस भी तो होगा। जी हाँ, तो इसमें इस क्वेश्चन में देखो, अगर अच्छे से देखोगे तो ये लिखा है इश्यू कॉस्ट, और इश्यू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स लिखा, इश्यू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स कितना लिखा हुआ? 6 मिलियन। एक ये दिक्कत है कि यहां इश्यू कॉस्ट आ रहा है, इश्यू कॉस्ट लिख दो यहां, न्यू बॉन्ड इश्यू करने से इश्यू कॉस्ट, और कितना रुपए का खर्चा आ रहा? 6 मिलियन। अच्छा, 300 लेकर 300 दे दोगे, ओके खत्म, हर साल 2% इंटरेस्ट बचेगा, ओके। लेकिन जब आप न्यू बॉन्ड इश्यू करोगे तो एक खर्चा है कितने मिलियन का? 6 मिलियन का, और ये कब होगा? आज ही होगा। ठीक, यहां तक तो ठीक है सर, बस एक बात हमको ये बता दीजिए कि ये ओल्ड वाले को आपने पागल समझा है क्या, जिनको ऑलरेडी 12% मिल रहा है, और इनको भी पता है कि मार्केट में रेट कम हो गया है, इनको अच्छा खासा 12% मिल रहा है, और इनके साथ एग्रीमेंट भी है कि ये 6 साल तक इंटरेस्ट लेते रहेंगे, तो फिर आप इनके बॉन्ड वापस कैसे बुलवा सकते हो? क्या ये आपसे लोन रिपेमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे बॉन्ड का पैसा? बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर हम इन लोगों को लालच दें, हम इन लोगों को लालच ये दे कि हम आपको 300 मिलियन नहीं, हम आपको थोड़ा सा ज्यादा देंगे, अभी निपटाओ भाई, अभी लीजिए, दैट्स इट, हम आपको 300 मिलियन की जगह थोड़ा सा ज्यादा दे देते, क्या सर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा? बिल्कुल दिया रहेगा। और लिखा हुआ है, लिखा ये है कि न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन, तो कॉस्ट हो गया, एंड कॉल प्रीमियम का मतलब होता है कि बॉन्ड को अगर आप कॉल करोगे और इनका पैसा रिफंड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और कितना परसेंट देना पड़ेगा? 4%। सर ये 4% किसका देना पड़ेगा बेटे? 300 मिलियन ये प्लस एक्स्ट्रा 300 × 4% 12 मिलियन, 12 मिलियन। इट मीन्स अगर देखा जाए तो जब आप इनको रिफंड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा, एक्स्ट्रा कॉस्ट, सर एक्स्ट्रा कॉस्ट को और क्या बोल सकते, प्रीमियम ऑन रिफंड,
और कितना 300 मिलियंस का कितना परसेंट बेटे 4%, तो एक्स्ट्रा कितना 12 मिलियन का खर्चा। 300 आएगा 300 जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दो इस वजह से, एक तो इश्यू कॉस्ट 6 मिलियन और एक तो एक्स्ट्रा प्रीमियम 12 मिलियन, मतलब इतना खर्चा एक्स्ट्रा पड़ रहा है। ओके, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो अभी तुरंत में एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, लेकिन आप कितना परसेंट बचा पाओगे, आप हर साल 2% तो बचा पाओगे। इसके अलावा भी एक बेकार की चीज और दिया रहता है, अब समझना, और एक चीज बस ये लास्ट चीज है जो हमको समझना है। इसके अलावा उसने ये लिखा है रुपीज नाइन मिलियंस बीइंग द अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इश्यू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड अप। ठीक से समझना इस बात को, काम की चीजें। 9 मिलियन का खर्चा ऐसा है जो अनअमोर्टाइज पोर्शन है ऑफ इश्यू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, और इसको राइट ऑफ करना है अभी की अभी। बिल्कुल ध्यान से, हुआ क्या, जब हम लोगों ने ओल्ड बॉन्ड इश्यू किया था, ओल्ड बॉन्ड ये वाला, पता नहीं कब किया था, जब कभी भी किया होगा तो उस समय भी खर्चे हुए होंगे बॉन्ड इश्यू करने के, यस बहुत सारा खर्चा हुआ होगा। तो बहुत सारा खर्चा ना एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, थोड़ा 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 करते। तो आज आज कितना मिलियन बचा हुआ पीएनएल अकाउंट में, 9 मिलियन बचा हुआ। इतना खर्चा हमने अभी तक पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, और फिर ये आने वाले 6 साल में हम धीरे धीरे करके कर देते हैं। लेकिन जब आप इन बॉन्ड को रिफंड ही कर रहे हो तो अभी की अभी ये एक्सपेंसेस को आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ये अनअमोर्टाइज पोर्शन है। सर इससे फायदा क्या होगा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर, बेटे इससे आप एक्सपेंसेस शो करोगे, एक्सपेंसेस शो करोगे तो आपका टैक्स सेविंग होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका कैपिटल बस्टिंग का टैक्स सेविंग का नॉलेज आपको चाहिए। एक्सपेंसेस के होने से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट से टैक्स सेविंग होता है। ठीक है, तो 9 मिलियन का ऐसा खर्चा है जो अभी तक अमोर्टाइज नहीं हुआ है, जो इस बॉन्ड से रिलेटेड है, और जब आप इसको रिफंड करोगे उसी साल इसको आप राइट ऑफ कर सकते हो, एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, और क्या दिया, टैक्स रेट दिया 30% जिसका हम यूज कर लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है, अब देखो हमारा सिचुएशन क्या, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है क्या किया जाए यार, ये काम करे कि नहीं करे। देखो अगर देखा जाए, मेन ये 9 मिलियन की मैं बात नहीं करूंगा, देखा जाए तो यहाँ सीधी सीधी बात तो ये हुई है कि इन लोगों को 300 रिफंड कर दीजिए और यहां से 300 मिलियन बुला लीजिए। सर फायदा क्या होगा, फ्यूचर में आने वाले 6 सालों तक आपको फायदा होगा। आप 12% दे रहे थे, अब आपको 10% ही देना पड़ेगा, मतलब वो होता ना टोपी घुमाना, आप वही कर रहे हो, इधर 12% वाले को चुका रहे हो और कम रेट में पैसे उठा रहे हो, ये तो एक फायदा है। लेकिन कॉस्ट देखा जाए तो एक तो बॉन्ड इश्यू करोगे उसका कॉस्ट आ रहा 6 मिलियन, ओके, और ये 250 लोग ना 300 मिलियन में तो मांगेंगे तो इनको 12 मिलियन आपको ज्यादा देना पड़ा। तो ये देखना है हमें कि हमें बॉन्ड को रिफंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस में भी सॉल्यूशन है, पर काफी बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं क्वेश्चन अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटे ऐसा है, सबसे पहले आज क्या हो रहा है, आज कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये चीजें देख लेते हैं। तो टुडे को सर और क्या बोल सकते, अच्छी लैंग्वेज बताइए, इनिशियल, आज इनिशियल कैश आउटले लिखा हुआ है, आप ऐसा बोल सकते। तो सर आज हमको ये पैसे देना पड़ेगा, मतलब रिफंडिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। सर पैसे कितना देना पड़ेगा बताओ बेटे, 300 मिलियन ये देना पड़ेगा, ओके, प्लस प्रीमियम भी देना पड़ेगा कितना 12 मिलियन, तो ये पैसा हमारे पास से गया।
312 मिलियन। एक्चुअली मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट, कितना कॉस्ट पड़ रहा, कॉस्ट ठीक 312 जाएगा। ठीक है सर, 312 ये जाएगा। सर और कौन सा पैसा जाएगा, ये 312 इधर देना पड़ेगा। अब जब हम नए बॉन्ड इश्यू करोगे तो आपको इश्यू के भी तो खर्चे लगेंगे, तो और कौन से खर्चे आएंगे, इश्यू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये भी हमारे जेब से आज ही जाएगा। ठीक है सर, कितना जाएगा, 6 मिलियंस। ओके सर ठीक है, पर कुछ पैसा आएगा भी तो। जी हाँ बेटे, माइनस, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, कौन सा पैसा आएगा, तो कौन सा पैसा आ रहा है हमारे पास, ये वाला पैसा आ रहा है, इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये पैसा हमारे पास आ जाएगा 300 मिलियंस। ओके तो सिचुएशन ये है कि 312 जाएगा, 6 जाएगा, पर 300 आ भी तो जाएगा। तो सर हमको जो कॉस्ट लग रहा है ना, वो तो 18 मिलियन लग रहा है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कॉस्ट। जी हाँ बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा, 18 मिलियन। मैंने आपको यहां भी बता दिया था, ये 12 और ये 6, तो यही मिलाकर कितना होगा, 18। तो सर ये क्यों बता रहे बेटे, ये प्रेजेंटेशन है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी ये दिख रहा है 12 और 6 18। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आती है। सर और क्या है बेटे, अब ठीक से समझना। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये 9 मिलियन है अनअमोर्टाइज पोर्शन, अब इसका तो काम है नहीं, आगे आने वाले 6 सालों में हम इसको राइट ऑफ नहीं करना है, और क्वेश्चन में भी लिखा है कि अभी के भी राइट ऑफ कर दीजिए, जब ये बॉन्ड बचेगा नहीं तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी तो अभी राइट ऑफ कीजिए। तो सर राइट ऑफ करने से फायदा क्या होगा बेटे, फायदा होगा टैक्स सेविंग का, पीएनएल अकाउंट में डालोगे, एक्सपेंसेस में दिखाओगे तो टैक्स सेविंग भी तो होगा, तो वो भी इसी साल फायदा हो जाएगा। तो इसमें से और कुछ फायदे है, माइनस टैक्स सेविंग्स ऑन अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, तो कितना है ये 9 मिलियन, और टैक्स का रेट 30% दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक से पढ़ लोगे आप, 9 मिलियन का 30% हमारा टैक्स सेविंग हो जाएगा, 9 × 30%, तो ये टैक्स सेविंग हो गया हमारा, ये फायदा हमारा 2.7 मिलियंस। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। अच्छा सर ये जो 12 मिलियन हमारा तो लॉस है ना, हाँ बेटे 12 मिलियन ज्यादा देना पड़ रहा है, तो सर इस पे भी तो टैक्स सेविंग होगा। बिल्कुल सही, आप ज्यादा दे रहे हो ठीक है, पर इसको हम एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड खत्म हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो आपका लॉस दिख रहा है ना 12 मिलियन जो ज्यादा दे रहा है, उस पे भी आपका टैक्स सेविंग होगा। जो ज्यादा दे रहा है मैंने उसको तो यहां कंसीडर कर लिया, तो अब उस पे भी आपको टैक्स सेविंग लिखना पड़ेगा, तो वो टैक्स सेविंग मैं यहां भी लिख ले रहा हूं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस टैक्स सेविंग्स ऑन प्रीमियम, ये कॉल प्रीमियम लिख सकते, कितना मिलियन है ये 12 मिलियन, इसका कितना टैक्स सेविंग 30%, तो 12 × 30%, तो ये आ गया बेटे 3.6 मिलियन, ये मेरा फायदा हो जाएगा। तो सर कॉस्ट कितना पड़ रहा है फिर, आज कॉस्ट ये पड़ा 18 कॉस्ट पर ये सेविंग, माइनस 2.7 माइनस 3.6, तो कॉस्ट पड़ा 11.7 मिलियन नेट कॉस्ट बोल सकता है, 11.7 मिलियन। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया कि अगर हम ये बॉन्ड रिफंडिंग करते हैं, फायदा जो है वो इंटरेस्ट का फायदा, उसको तो मैं बाद में कंसीडर करूंगा, तो उससे हमारा क्या क्या कॉस्ट पड़ेगा आज, तो कॉस्ट इतना है, इधर देना पड़ रहा मुझे 300 प्लस 12 एक्स्ट्रा, तो 312 ठीक है, और 312 तो ये जा 6 मिलियन मुझे देना पड़ रहा है नए बॉन्ड इश्यू करने का कॉस्ट, पर नए बॉन्ड से मिलेगा भी तो पैसा 300, तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो रहा, इतना पैसा जा रहा है और ये आ रहा है, तो टोटल कैश फ्लो बोल सकते हो 18 मिलियन
ठीक है। अब फायदा क्या है, जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है उसको मैं एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूँ, और एक्सपेंसेस पे हमेशा टैक्स सेविंग होगा 12 मिलियन का 30%, 3.6, और जो पोर्शन बचा हुआ था अनएमोर्टाइज उसको अब मुझे आगे राइट ऑफ नहीं करना, इसी साल एक्सपेंसेस क्लेम कर देना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका मैंने 30% ले लिया। ये सर ये जो इश्यू कॉस्ट है 6 मिलियन आपने लिया तो है, पर इस पर टैक्स सेविंग क्यों नहीं लिखा? बेटे क्योंकि ये नया बॉन्ड है, और नए बॉन्ड को जो इश्यू कॉस्ट होता है वो एक साथ आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आने वाले 6 साल तक चलना है ना, तो इसको मैं हर साल राइट ऑफ करूंगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है। अगर सोचो 6 मिलियन मुझे राइट ऑफ करना 6 साल में, तो इसको एक साथ पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखा सकता, मुझे हर साल 1-1 लाख रुपए दिखाऊंगा। ओके दैट्स इट। अभी बॉन्ड इश्यू करने का कॉस्ट इतना आ रहा, ठीक है। अब हमें देखेंगे ये जो बेनिफिट होने वाला है इंटरेस्ट का, वाकई मुझे इतना फायदा होने वाला भी है कि नहीं होने वाला। अगर इतना फायदा होने वाला इससे ज्यादा तो ठीक है, फिर तो अच्छा है, पर अगर फायदा नहीं दिख रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, कौन इतना खर्चा करे। तो अब मैंने अभी क्या निकाला, कॉस्ट। अभी जो मैं निकालने जा रहा हूं वो निकालने जा रहा हूं बेनिफिट। बेनिफिट तो वो भी लिख चेक कर लेते एक बार, बेनिफिट क्या क्या आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं बेनिफिट, बेनिफिट या इंक्रीमेंटल बेनिफिट बोल सकते हैं या गेन बोल सकते हैं, गेन इंक्रीमेंटल के। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा ये काम की चीज। अब गेन में ऐसा है कि हम ये लिखेंगे कि अगर हम ओल्ड बॉन्ड ही रखते, ओल्ड बॉन्ड्स, तो क्या होता, पर अगर हम न्यू बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं तो कितना खर्चा पड़ रहा। अगर सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट की, अब इंटरेस्ट देखो, अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स ही रखते, हम रिफंड नहीं करते, तो इन 300 मिलियंस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता कितना परसेंट, 12%। 300 पे 12% इंटरेस्ट देना पड़ता तो 36 लाख होता, ठीक है। पर 36 लाख इंटरेस्ट होता, और इंटरेस्ट को आप एक्सपेंसेस में डालते, एक्सपेंसेस में, और एक्सपेंसेस की वजह से आपका टैक्स सेविंग होता, ठीक है। तो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिख दूं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ता। सर इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता 300 मिलियन का ओल्ड पे कितना देना पड़ता, 12%, मतलब 36 मिलियंस, और इस पे भी 300 मिलियन पे कितना परसेंट देना पड़ता, 10%, ऐसा 10% लिखा हुआ है, तो 30 मिलियंस। ओके, एक तो इंटरेस्ट, पर इस इंटरेस्ट पे क्या होता, टैक्स सेविंग माइनस टैक्स सेविंग्स, क्योंकि इसको पीएनएल अकाउंट में लिख सकते हैं। अब टैक्स सेविंग्स कितना होगा, 36 मिलियंस का टैक्स क्रेडिट कितना, 30%, तो 36 मिलियन का 30% कितना टैक्स सेविंग होता, 10.8, हालांकि यहां माइनस ना दिखाओ, ब्रैकेट दिखा दो। और इस 30 मिलियन पे भी हमें टैक्स सेविंग होता 30%, तो यहां हो जाता टैक्स सेविंग 0.9। हर साल की मैं बात कर रहा हूं, हर साल यहां 36 मिलियन 36 मिलियन इंटरेस्ट जाता, यहां 30 मिलियन जाता, फायदा है, टैक्स सेविंग भी होता, एक्सपेंसेस क्लेम करते तो टैक्स सेविंग होता 30%, 10.8, और यहां कितना होता 0.9, ठीक है। बेटे बस एक बात और समझ लो, अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स कंटिन्यू रखते 6 साल तक, तो ये 9 मिलियन भी तो हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते, फिर तो एक साथ राइट ऑफ नहीं होता, तो सर इस पे भी तो टैक्स सेविंग होता। यस, टैक्स सेविंग्स ऑन इश्यू कॉस्ट, फिर तो धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते ना, अगर हम ओल्ड बॉन्ड ही यूज करते तो फिर ये होता 9 मिलियंस को कितने साल में राइट ऑफ करते, 6 साल में, तो हर साल का निकल जाता, और इसका टैक्स सेविंग कितना होता 30%, तो 9/6 × 30%, तो हर साल टैक्स सेविंग होता 0.45। सर तो यहां भी तो इश्यू कॉस्ट हुआ, यस, कितना मिलियन हुआ, 6 मिलियंस, और कितने साल के लिए बॉन्ड है, 6 इयर्स,
और इस पे टैक्स सेविंग कितना होता, 30%, तो कितना आ जाएगा बेटे, 0.3, दैट्स इट। तो अब देखो कितना एक्सपेंसेस पड़ रहा है। अगर हम ओल्ड बॉन्ड्स यूज करते तो 36 मिलियन देना पड़ता, हाँ जी सर सही है, माइनस 10.8 का इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होता, माइनस 0.45 का टैक्स सेविंग होता, ये होता हर साल 24.75। अगर हम न्यू बॉन्ड्स करते तो 30 मिलियन का इंटरेस्ट जाता, माइनस 0.9 का टैक्स सेविंग होता, माइनस 0.3 का भी टैक्स सेविंग होता, तो ये आ जाता 28.80। दिस इज कॉस्ट। तो बेटे सोच के देखो, ये कॉस्ट है, इस पर हर साल इंटरेस्ट वगैरह इतना आता और इस पे इतना आता न्यू बॉन्ड्स पे। तो अभी क्या करना है, फिर से देख लेते, 36, तो 36 माइनस 10.8 माइनस 0.45 24, ये 9 मिलियन होना चाहिए, ठीक है, 30 माइनस 9 माइनस 0.3, तो सॉरी ये आएगा 20.70। इसको ठीक से लिख देता हूं, 20.70। तो अब चेक करो, इस पे इतना खर्चा आता है इंटरेस्ट वगैरह का, नो डाउट ओल्ड बॉन्ड्स पे ज्यादा आता, इस पे आ रहा है कम, तो हमारा तो गेन दिख रहा है। यस सर, गेन हो जाता मुझे, कितना गेन हो जाता, 24.75 में से माइनस कर दूंगा 20.7, तो मुझे गेन हो जाता हर साल 4.05 पर एनम। और सर कितने साल तक होता ये, मुझे हर साल होता 6 साल तक, तो हम सर 6 साल का जोड़ ले, नहीं बेटे नहीं, यहां तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा PVAF, मेरे ख्याल से प्रेजेंट वैल्यू अच्छी तरह से जानते हो, ये मान के चलूंगा प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। सर कितने इयर्स का डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे भाई, 6 साल का एनुटी फैक्टर, 6 इयर्स, सर कितना परसेंट, कितना परसेंट कास क्वेश्चन में दिया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके दिया होगा, पर नहीं दिया हुआ है, दिक्कत ये सर, अगर नहीं दिया तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लोगे बेटे, फिर तो लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि डेट से रिलेटेड है। और यहां देखो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है, 10%, और टैक्स का रेट कितना है, 30%। तो अब डिस्काउंटिंग रेट कैसे करें, तो यहां समझो ध्यान से, डिस्काउंटिंग रेट तो मैं केडी यूज करूंगा, डिस्काउंटिंग रेट दैट इज केडी, और केडी कैसे निकालते हैं आपको पता है, आई नहीं दिया इसी वजह से, 1 माइनस टैक्स, आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, और आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा सर, आफ्टर टैक्स तो 7% हो जाएगा, जी बिल्कुल, इसलिए अब डिस्काउंटिंग रेट मुझे 7% यूज करना पड़ेगा। अगर दिया होता क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, तो डिस्काउंटिंग रेट हम कितना परसेंट यूज करेंगे, 7%, ठीक है। तो पीवीएफ निकालना पड़ेगा 6 इयर्स का 7% के हिसाब से, ये ऐसे निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जी ठीक, तो ये फैक्टर आया आपका 4.766, और 4.766 इंटू 4.05, तो ये आ गया बेनिफिट आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन्स, और ये आ गया 19.30 मिलियंस, ये है गेन बेटे, और ये है कॉस्ट, दिस लास्ट टॉपिक, ये है गेन और ये है कॉस्ट। तो इसमें से अगर मैं आज का कॉस्ट में, ये सर ये गेन कब का है, जो फ्यूचर में गेन होने वाला उसका प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू, और आज का कॉस्ट कितना पड़ रहा है बॉन्ड रिफंडिंग का, 11.7 मिलियन, भाई तो रिफंड करने में फायदा है, और कितने का फायदा है, माइनस 11.7, तो फायदा है 7.60 मिलियन का फायदा है नेट गेन। तो क्या सर बॉन्ड रिफंड कर देना चाहिए, बिल्कुल सही, इनको इनसे पैसे लेके इनको दे देना चाहिए, क्योंकि
हमें फायदा है 7.60 मिलियंस का, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा था, मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया, प्रैक्टिस मैनुअल 9, ये क्वेश्चन नंबर 49। टोटल दो क्वेश्चन पे डाउट्स आए हैं बच्चे के, क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50। तो इस वीडियो में तो एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 पहले अच्छे से समझ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 50 खुद से करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 50 आपको करवा दूंगा। थैंक यू।